Hello, friends. Okay, yeah. Computer network. Hello, friends. आज का ये वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम समझेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार का होता है, और उन प्रकार में से एक को हम यहाँ आज इस वीडियो में समझेंगे, दूसरे वाले के लिए दूसरा वीडियो. ओके, तो मेरा नाम है अमन जाट, आप देख रहे हैं Expalined.in. शुरू करते हैं. देखिए, कम्युनिकेशन मीडिया को अगर समझना है तो पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि ये क्यों ज़रूरी है, मतलब कम्युनिकेशन मीडिया को पढ़ना क्यों ज़रूरी है. तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. जब भी हम दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है. अब जोड़ने के लिए हम जिस मीडियम का यूज़ करते हैं, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिग्नल को सेंड करना या रिसीव करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ की तो ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में जोड़ना है तो उसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक USB केबल की. तो यहाँ पर जो USB केबल है वो एक मीडिया है, कम्युनिकेशन मीडिया या डेटा ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम है, जिसे हम कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं. अब ये कम्युनिकेशन मीडियम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वायर्ड मीडिया और एक होता है अनवायर्ड मीडिया. वायर्ड मीडिया मतलब वायर वाला, अनवायर्ड या वायरलेस मतलब बिना वायर का. अच्छा, इस मीडिया को गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया भी कहा जाता है. इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी ये है कि बहुत पहले जब टेलीफोन लाइन्स का यूज़ हुआ करता था, घर में जो इस तरह के फ़ोन्स यूज़ होते थे, उसमें क्या रहता था कि उस तरह का जो मीडिया होता था, कम्युनिकेशन मीडिया, उसको गाइडेड मीडिया कहा जाता था. क्योंकि गाइडेड मीडिया में हम वायर का इस्तेमाल करते हैं, और वायर में क्या है कि पूरा जहाँ से सिग्नल भेजना है और जहाँ जाना है, इसका एक फिक्स्ड वे होता है कि इसी रास्ते से जाएगा और यहाँ से यहाँ तक इतना सिग्नल जाना है, मतलब जाना है. अब अनगाइडेड में क्या होता है कि जैसे मान लो अभी आप फ़ोन पर बात करते हैं, वायरलेस मोबाइल आपके पास में है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर हूँ तो, और मुझे किसी को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो इसके सबसे नज़दीकी टावर तक पहुँचेगा, फिर वहाँ से सिग्नल जो है लाइन के थ्रू, जो वायर होते हैं, केबल लाइंस जो होती हैं, उनके थ्रू फिर जहाँ कॉल लगाना है वहाँ के नज़दीकी टावर तक पहुँचेगा. अब ये हर बार बदल जाता है. मान लो अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे शहर में हूँ, मान लो मैं दिल्ली में हूँ, तो वहाँ पर, या मेरे ही शहर के किसी एक दूसरी कॉलोनी में हूँ, तो वहाँ के नज़दीकी टावर पर सिग्नल जाएगा. मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही टावर के ज़रिए सिग्नल जाएगा. हर बार सिग्नल तक पहुँचने का, सॉरी, जो जहाँ डेस्टिनेशन है, जहाँ पर हमें कॉल लगाना है या जहाँ पर हमें मैसेज भेजना है, वहाँ पर मैसेज जाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसे अनगाइडेड मीडिया भी कहा जाता है. तो समझ गए होंगे आप. चलिए, तो कम्युनिकेशन मीडिया का जो पहला तरीका है वायर्ड मीडिया, उसको समझते हैं. इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है TPC, यानी ट्विस्टेड पेयर केबल. अब ट्विस्टेड पेयर केबल जो इस तरह की दिखती है, इसको बहुत पहले जब इसे बनाया गया था, मतलब जब इसकी खोज हुई थी, तब ये इस तरह से ट्विस्टेड रहती थी, समथिंग लाइक दिस. ये इसलिए, इसी कारण से इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है. और आप घर में जितने भी केबल आप यूज़ करते हैं, या जितने भी केबल हम हमारे आसपास देखते हैं, जैसे कि कोई भी केबल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ईयरफोन का केबल होता है, या USB केबल होता है, या कोई भी वायर, 99% वायर्स जो होते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं. हम, यानी कि अगर हमें पहचानना हो कि किस तरह के वायर को हम ट्विस्टेड पेयर केबल कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. सबसे पहली कि इसमें दो वायर होते हैं और दोनों सेम मटेरियल के होते हैं. सेम मटेरियल इन द सेंस कि अगर एक कॉपर का है तो दूसरा वाला भी कॉपर का होगा, अगर एक एल्यूमिनियम का है तो दूसरा भी एल्यूमिनियम का होगा. प्लस इनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है, अलग अलग कोटिंग की जाती है दोनों के ऊपर, और उनका कलर भी अलग अलग होता है. इनके अलग अलग कलर होने के पीछे एक रीज़न ये है ताकि इनको आसानी से पहचाना जा सके. इसके अलावा आपको, और इसमें जो एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों केबल की जो स्ट्रेंथ है,
वो या इंटेंसिटी है उनमें करंट फ्लो होने की, वो लगभग लगभग नहीं मतलब सेम होती ही है, ठीक है। तो ये होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दोनों में जो अंतर है वो ये है कि एक शील्डेड होता है और एक अनशील्डेड, यानी एक के ऊपर थोड़ा सा समझिए, इस फोटो को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि एक वायर होता है, एक तार या दो तार कह सकते हैं, दो तार के ऊपर फिर अलग अलग कोटिंग की जाती है, फिर कोटिंग के ऊपर उसकी एक फाइनल कवर लगाया जाता है। इस तरह के वायर को हम अनशील्डेड कहते हैं। एक होता है शील्डेड। शील्डेड में क्या होता है कि जो अलग अलग दो सेपरेट वायर्स होते हैं उन दोनों वायर्स के ऊपर पर्टिकुलर एक एल्यूमिनियम की या किसी भी तरह के मेटल की एक फॉइल लगाई जाती है, और वो इसलिए ताकि जो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नॉइस की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज होती है जिसके कारण सिग्नल की स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ जाती है और उसमें जो क्रॉसटॉक होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉइल के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो इससे बाहर नहीं जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एक अंतर ये भी है कि जो शील्डेड वाला है वो महंगा होता है क्योंकि इसमें मेटल की फॉइल होती है, और जो अनशील्डेड होता है वो सस्ता होता है क्योंकि उसमें मेटल की फॉइल नहीं होती, ठीक है। ये केबल बाकी सब केबल में बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, प्लस इसका रखरखाव भी सस्ता होता है, इसकी इंस्टॉलिंग करना भी आसान होती है, इसके लिए किसी कोई पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत होती नहीं है, सभी को पता है कैसे ये काम करता है। इसके अगर नुकसान देखें तो इसकी बैंडविड्थ कम होती है, जो होती है 100 Mbps से भी कम, जिसके कारण ये ज़्यादा मात्रा में सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। और सेम विद एक और प्रॉब्लम है इसके साथ कि इसकी फ्रिक्वेंसी भी 0 से लेकर 3.5 kHz तक की है, यानी कि ज़्यादा दूर तक ये सिग्नल ले जा नहीं सकता, ज़्यादा नहीं ले जा सकता और ज़्यादा दूर तक भी नहीं ले जा सकता। तो इसके लिए फिर हम इसका एक अल्टरनेटिव होता है जो है इसका सेकेंड नंबर का केबल, उसे हम कहते हैं कोएक्सल। कोएक्सल केबल को कोएक्सल केबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोएक्सल है, मतलब कोई भी चीज़ जो एक ही एक्सिस पर हो, यहाँ पर दो अलग अलग वायर थे ट्विस्टेड पेयर केबल में तो दोनों अलग अलग एक्सिस पर थे, और कोएक्सल केबल में एक ही एक्सिस होता है और उसी के ऊपर दोनों वायर होते हैं। ये वायर आपने ज़रूर देखे होंगे अपने घर में, जो नॉर्मली एंटीना से होकर आते हैं आपके टीवी का जो क्या है वो रिसीवर, वहाँ तक रिसीवर तक जो केबल आता है वो कोएक्सल केबल ही होता है। पर हम वही केबल यूज़ क्यों करते हैं वहाँ पर, तो उसके पीछे एक सबसे अच्छा रीज़न ये है कि वो ज़्यादा बैंडविड्थ में जो है सिग्नल ला सकता है। दूरी से तो हमें कोई उससे मतलब है नहीं क्योंकि ज़्यादा दूर से लाना नहीं होता है, पर फिर भी ज़्यादा बैंडविड्थ तक ला सकता है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है। मैक्सिमम 400 Mbps तक जो है डेटा ट्रांसफ़र का इसका रेट है, यानी 400 MB डेटा एक सेकेंड में ये ट्रांसफ़र कर सकता है कोएक्सल केबल। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस वायर में सबसे सेंटर में एक कॉपर का वायर होता है, उसके बाद में इसमें एक कवरिंग की जाती है जिसे इंसुलेटिंग कहते हैं। इंसुलेटिंग, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो भी वायर जिसके हम बात कर रहे हैं वो एक कंडक्टर होता है और उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगाया जाता है जो नॉर्मली PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो इंसुलेटर कहलाता है। तो पहले एक कॉपर का वायर, फिर उसके ऊपर इंसुलेटर, और इंसुलेटर के ऊपर फिर एक एल्यूमिनियम की या टंगस्टन की फॉइल चढ़ाई जाती है, नेट जैसी होती है, जाल जैसी। उस फॉइल को लगाने के बाद फिर एक फाइनल कोटिंग की जाती है, जो नॉर्मली आपने ब्लैक कलर की या वाइट कलर की देखी होगी। इस तरह से कोएक्सल केबल बनता है। अब कोएक्सल केबल के फ़ायदे जो हम देख ही चुके हैं कि इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। इसके नुकसान अगर हम देखें तो ये है, अगर TPC की तुलना करें इस केबल से तो ये उन केबल से महंगा है लेकिन काम का है। अगर हमें ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना है तो फिर हमें इस केबल की ज़रूरत पड़ती है। पर क्या हो अगर हमें इससे भी ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़े, 400 MB हमारी लिमिट नहीं है, हमारी लिमिट इससे भी ज़्यादा है, तब हम जिस वायर का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो थर्ड नंबर पर आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल अपने बाकी के दो श्रेणी के जो वायर हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है।
और उसके रीज़न ये है कि इसमें कोई तार ही नहीं है, इसमें कोई कंडक्टर होता ही नहीं है। जैसे बाकी दोनों में मान लो किसी में एल्यूमिनियम का तार है, किसी में तांबे का है, कॉपर का है, लेकिन इसमें कोई तार नहीं होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल में। और ये जो है बिना तार के भी बाकी दोनों केबल से बहुत ज़्यादा, पहली चीज़ तो महंगा है, और दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से सिग्नल को या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है। आप समझते हैं इसकी राजनीति की ये काम कैसे करता है। तो ये काम करता है लाइट के आधार पर, लाइट की स्पीड के आधार पर। और इसका जो सिद्धांत है इस वायर को बनाने का वो ये है टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि इसमें क्या होता है लाइट एक जगह से निकलना शुरू होता है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है इसके बीच में जो कोर होती है उसके ज़रिए, और रिफ्लेक्ट होते 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 फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। अब क्योंकि आपको मालूम है कि लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो इस स्पीड से इसमें डेटा ट्रैवल करता है, मतलब इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। प्लस इसमें बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर कोएक्सियल केबल में 400 Mbps थी, तो इसमें जो बैंडविड्थ होती है यानी कितना डेटा एक साथ में ले जा सकता है वो है मैक्सिमम इसमें 100 Gbps तक का डेटा जो है एक बार में जा सकता है। और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है, टेराबाइट्स में है, 330 टेरा हर्ट्ज़ में है, 330 टेरा हर्ट्ज़ का इसकी फ्रिक्वेंसी है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर में बीच में एक कोर होती है, उस कोर में लाइट ट्रैवल करता है, उसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली इससे कम होता है, और सबसे ऊपर जो होती है वो होती है कोटिंग, या सिंपली हम कह सकते हैं इंसुलेटर भी होता है। तो इस तरह से ये बनाया जाता है, इसका कोर जो होता है वो नॉर्मली ग्लास का या फिर इस तरह के प्लास्टिक का बनाया जाए जो पूरी तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। और इसी तरह की चीज़ बनाने के कारण इसमें जो लगने वाला खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये केबल यानी फाइबर ऑप्टिक केबल अब तक का सबसे महंगा केबल माना जाता है। प्लस अगर ये महंगा है तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, वो ये आप जानते हैं कि बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा डेटा ज़्यादा दूर तक ले जा सकता है। इवन जो हम इंटरनेट केबल जो होती है जो एक देश से दूसरे देशों तक फैली रहती है, उन केबल्स वो जो केबल्स होती है वो भी फाइबर ऑप्टिक केबल ही होती है। और जो घर में हम इंटरनेट लगवाते हैं, अगर हमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए वो फाइबर ऑप्टिक केबल लगाते हैं, ताकि डेटा का जो ट्रांसफ़र रेट है जिसे हम कहते हैं डेटा की स्पीड या नेट की स्पीड, वो बहुत ज़्यादा मिलती है हमें, मतलब जो कंपनी देती है उससे थोड़ा ही कम होता है। बाकी अगर हम दूसरे केबल का यूज़ करें तो उसमें काफ़ी स्पीड गिर जाती है, मतलब कंपनी दे रही है 100 Mbps की स्पीड, तो आपको उसमें 100 Mbps मिलता नहीं है, पर फाइबर ऑप्टिक केबल में लिए लगभग उतना पहुंचा देता है, आपको स्पीड भी ज़्यादा मिलती है और स्पीड भी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो वाइड मीडिया में आज हमने ये देखा कि ये 3 तरह का होता है। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कोएक्सियल केबल और एक होता है लास्ट में फाइबर ऑप्टिक केबल। अच्छा, इसके अलावा जो आगे हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन मीडिया का जो सेकेंड पार्ट है उसमें कि वायरलेस मीडिया क्या होता है, वायरलेस मीडिया में जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, सैटेलाइट सिग्नल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अपने अगले वीडियो में, कम्युनिकेशन का जो अगला वीडियो होगा कम्युनिकेशन मीडियम का। तो आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। और अगर मेरी मेहनत आपके कुछ काम आई हो या आपको कुछ भी इस वीडियो से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।